आज आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग HTML के अंदर सीखेंगे रो स्पैन और कॉलम स्पैन क्या होता है। रो स्पैन का मतलब होता है बच्चों रो को मर्ज करना, कॉलम स्पैन का मतलब होता है कॉलम को मर्ज करना। तो किस तरीके से हम लोग रो और कॉलम स्पैन का यूज करते हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। जो टॉपिक है कोडिंग से लेकर, तो आप लोग नोट पैड प्लस प्लस या नोट पैड का यूज करते हैं, इनमें से कोई भी एडिटर चलाते हैं, हम लोग तो ऑलरेडी से सीख चुके हैं। तो आप नोट पैड प्लस प्लस में जाइए या नोट पैड को ओपन कर लीजिए। ऑलरेडी हम लोगों ने कोडिंग को मेंशन करके रखा है, बस आपको क्लियर करना है सारी चीजें एक एक करके। तो देखिए, आप लोगों ने नॉर्मल टेबल तो बनाना सीखा, ध्यान से देखिएगा। ये टेबल होती है टेबल बॉर्डर, ये आपका हेड सेक्शन तो आप ऑलरेडी जानते हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आपका बॉडी सेक्शन होता है, जो जहां पे हमें कमांड देनी होती है। टेबल बॉर्डर, इससे आपका टेबल बनेगा। टेबल आप जानते हैं कि आपकी एक सारणी होती है इस टाइप की, ये सारणी होती है इस तरीके की, इसे आप लोग बोलते हैं टेबल। और इसके बाद इसी के अंदर, जैसे आपको टी आर का मतलब होता है टेबल रो, तो आपने एक यहां से रो क्रिएट कर ली ऐसे कुछ। जैसे टी आर आप लिखेंगे, टी आर से ऐसे आपको रो बन के आ जाएगी। टी एच का मतलब होता है टेबल हेडिंग, तो टेबल हेडिंग में आपने कॉलम स्पैन लगा दिया। कॉलम स्पैन लगा दिया तो आपके पास अगर यही पास में अगर कई रो हैं, जैसे मान लीजिए एक रो जे है और एक रो जो आपके पास सॉरी कॉलम था ऐसे, तो आपका क्या होगा, जैसे आपने ये कॉलम स्पैन किया, जैसे आपके पास ये कॉलम्स है, ये कॉलम्स कहने को मतलब यहाँ पे था दो ऐसे करके था ये, और अगर आपने इसको एक को रेज कर दिया सॉरी ऐसे, टेबल्स है कॉलम्स आपने बना लिए ऐसे ये, और आप चाहते हैं कि ये दोनों कॉलम मर्ज हो जाएं, एक साथ हो जाए, तो आप कॉलम स्पैन का यूज करेंगे। दो मतलब दो लिखने का मतलब है यहाँ पास कि दो कॉलम आपके मर्ज हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ थ्री लिख दिया तो ये तीनों कॉलम्स मर्ज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है जहां भी आप टी एच हेडिंग्स देते हैं या कहीं भी आप डेटा डालते हैं, अगर आपने कॉलम स्पैन लगा के अगर जो भी वैल्यू टाइप कर दी, जितने कॉलम आप मर्ज करना चाहते हो वो उतनी वैल्यू आप टाइप कर देंगे तो वो कॉलम मर्ज हो जाएगा। तो देखिए कैसे इस तरीके वो बना देगा। और इसके बाद ये टी एच का मतलब टेबल हेडिंग्स को अगर आप करना चाहते हैं, टी एच का मतलब टेबल हेडिंग्स। जैसे आपने कोई हेडिंग्स बनाई, आपने कॉलम्स क्रिएट किए, ऐसे आपने रो बनाई, कॉलम्स बनाए, और आप हेडिंग डालते हैं। हेडिंग्स इसे बोलते हैं बच्चों, जो यहां पे लिखी जाती है उसे आप लोग हेडिंग्स कहते हैं। जैसे आपने लिखा टी एच 40, आपने 40 डाल दिया, ये हेडिंग्स हो गई। टी एच आपने डाल दिया 20, 20 ये आपकी हेडिंग्स हो गई। इसी तरीके जी आपका एक पूरा टेबल रो तैयार हो गया, जो ऊपर के लिए जितने अभी फंक्शन है। आपने टी आर शुरू किया, टी आर लास्ट में बंद कर दिया, तो ऊपर की हेडिंग्स तैयार हो गई। अब इसमें आपको लिखना क्या है, टी आर आपने फिर शुरू कर दिया और टी आर आपने देखी लास्ट में आप पोर्शन में बंद किया होगा, और इसके अंदर जो भी आप टी एच करके लिखते हैं, टी एच हेडिंग्स वगैरह जो आप डाल रहे हैं, ये भी एक तरीके की हेडिंग्स है, तो आप यहाँ पे वो डेटा डाल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप टी एच देखिए यहाँ शुरुआत करते हैं और टी एच यहाँ बंद कर देते हैं, तो एक हेडिंग्स बन जाती है। फिर आपने टी एच तैयार किया, फिर टी एच आपने बंद कर दिया, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर एक हेडिंग्स बन के आ गए। इसी तरीके इसको यूज कर सकते हैं आप। तो टीडी का मतलब होता है बच्चों टेबल का डेटा, उसके अंदर जो डेटा डालना हो तो टीडी का प्रयोग करते हैं आप लोग। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यही मतलब इसका हुआ। किसी को डाउट हो तो पूछो इस टॉपिक पर। अगर आपको कॉलम मर्ज करना हो तो कॉलम स्पैन का यूज करेंगे, अगर आपको रो मर्ज करना होगा तो आप रो स्पैन का यूज करेंगे। ये यहाँ पे जबकि मैंने बना के रखा, दोनों को आउटपुट क्या आएगा मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप टेबल बनाना सीख गए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसे बोलते हैं क्या है आपका, जी आपका कॉलम मर्ज हुआ है,
दो चीजें हैं कॉलम और रो, क्योंकि दोनों अपोजिट सिस्टम में यहाँ रखा गया है। ये देखिए ये कॉलम मर्ज है और जो रो मर्ज कर दी गई है। ये देखिए ये वन रो है और जो टू रो है, ये आपका कॉलम मर्ज है और ये आपका रो मर्ज कर, सॉरी ये आपका रो मर्ज है और ये आपका कॉलम मर्ज किया गया, जो वन टू जो कॉलम बनाए गए हैं, ठीक है ना। किसी की दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसी तरीके इसको तैयार करना है हमें। ये हेडिंग्स है, ये भी एक तरीके की हेडिंग्स यहाँ बनाई गई है और यहाँ पास भी इसी तरीके बनाया गया है। ये आपका हेडिंग्स है, आ जाएगा पीछे। तो इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था टेबल के बारे में, तो उसको आसानी से आप देख लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके आपको डेटा तैयार करना है। कॉलम स्पेन रो स्पेन बकाया था, इसलिए मैंने इसको आज क्लियर कर दिया। इसी तरीके ये काम करता है। मिलते हैं बच्चों।